अब हम आते हैं बच्चों नेगेटिव पर। तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास टाइम नहीं है, तो हैज हैव लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं आई हैव नो टाइम, इस तरह से बन जाएगा। और इसका इस तरह से हम बना सकते हैं आई डोंट हैव टाइम। आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये से सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ही नोट आता है हमेशा, ठीक है। हैव से पहले कभी नोट नहीं आएगा, हैव के बाद में ही आएगा, ठीक है। हाँ, डोंट लगाएंगे तब हैव से पहले आ जाएगा इधर। उसके पास, उस लड़के के पास समय नहीं है, तो ये हमेशा बन जाएगा ही हैज नो टाइम, ठीक है। या फिर आप इसे बना सकते हो ही, अब देखो आई के साथ डोंट लगा तो यहाँ पे लगेगा ही के साथ डज, डजंट या डज नॉट, ही डजंट हैव टाइम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको हैज नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप डजंट लगाओगे तो इसमें हैव ही आएगा। और अगर आप जैसे डू डच का यूज नहीं करोगे तो फिर हम डायरेक्ट बोल देंगे ही हैज नो टाइम, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते हो, उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। तो देखिए एक सेंटेंस तो ये बन जाएगा सी हैज नो मनी, ठीक है। एक तो ऐसा बना लेंगे हम सी हैज नो मनी, और अगर हम इसमें डच लगाएंगे तो इसको फिर हम ऐसा बनाएंगे सी डज नॉट, अब हमें हैज नहीं लगा, सॉरी सी हैज नो मनी, अब हम हैज नहीं लगाएंगे, अब हम हैव लगाएंगे इधर, सी डज नॉट हैव मनी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना कि जब भी आप इसमें डज ही सी में डज का यूज करो तो फिर यहाँ पे हैव आएगा, और नहीं तो आप यही वाला बोल दो सी हैव नो मनी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, होता है, ठीक है। इसको ऐसा कर देना तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारे को आ जाएगा यू यू हैव नो टाइम, ठीक है। यू हैव नो टाइम, फिर क्या बचा किसके लिए, मेरे लिए, तो मेरे लिए को आ जाएगा फॉर मी, या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो यू डू नॉट या डज नॉट डोंट, है ना, ऐसा ही बोल सकते हो डोंट या डू नॉट भी लगा सकते हो। यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, ठीक है। ये बच्चों ये वाला ज़्यादा ईजी हो, ऊपर वाला आप ये भी करो चाहे ये भी करो, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट है मेरे पास कल कुछ नहीं था, ठीक है बच्चों। तो ये पास्ट में चला गया है तो इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे, तो आई हैड नथिंग यस्टरडे, ठीक है। पास्ट की बात चल रही, कल के लिए यस्टरडे लगाएंगे हम। मेरे पास अच्छे फ्रेंड थे स्कूल टाइम में, यानी कि मेरे पास स्कूल टाइम में अच्छे फ्रेंड थे। तो बच्चों जब भी टाइम आए तो लास्ट में लिखते हैं वैसे तो, है ना, तो हम लिख देंगे आई हैड क्या थे, अच्छे फ्रेंड्स, यानी कि गुड फ्रेंड्स, कब, स्कूल टाइम में, तो इन स्कूल टाइम, ठीक है। तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में, ठीक है, तो विल हैव लग जाएगा, फ्यूचर की बात चल रही है। तुम्हारे पास के लिए, तुम्हारे को लिए लगाएंगे बच्चों हम यू, यू विल हैव, कोई प्रॉब्लम को बोलेंगे नो प्रॉब्लम, या यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं के लिए बच्चों हम नो लगा सकते हैं, ठीक है। नो यानी होता है कोई नहीं,
तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स कब, इन फ्यूचर में, तो बस इन फ्यूचर कर दो। नेक्स्ट है बच्चों, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात चल रही है, तो ये बन जाएगा यू विल हैव नो नंबर। ऑफ हिम, ठीक है, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं होगा, यू विल हैव नो नंबर ऑफ हिम, क्योंकि, क्योंकि को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ आप लोग मुझे कमेंट में, बिकॉज, क्योंकि वो चला गया है। अब ये कौन सा हो गया, पास्ट में हो गया, क्योंकि वो चला गया है, तो ही हैज गॉन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट बन गया है, वो चला गया है, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, सॉरी, पास्ट नहीं है, चला गया था, आता तो पास्ट होता, क्योंकि वह चला गया है, तो ही हैज नो गॉन, यानी कि पास्ट, पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ हमने ये लगा दी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।